ओशो ने हमें अपार संपदा दी है उनके ऑडियो वीडियो पुस्तकों के माध्यम से, जो कि विश्व भर में 70 भाषाओं में करीब अनुवाद हुआ है और उपलब्ध हैं। और आज के समय की जरूरत भी है कि वो सब तक पहुंचे। वो ये कोई संदूक में बंद रखने वाली संपदा नहीं है, ये बांटने वाली संपदा है। जैसे फूल खिलता है और सुगंध फैलती है और सुगंध परवाह नहीं करती कि कौन उसके निकट आया कौन नहीं आया, सुगंध सिर्फ सबके लिए उपलब्ध होती है। तो सबके लिए उपलब्ध कराने का हमें आयोजन करना होगा हमारे सन्यासियों को। और अब कोई किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि किसका कॉपीराइट है किसका ट्रेडमार्क है, आप तो बांटो, खुलकर बांटो। और आज किस आपको इंटरनेट ने हजारों चैनल दे दिए हैं, ये भी हमारे प्यारे ओशो चैनल उसी का एक अंग है, हमारे प्यारे ओशो, आवर बिलविड मास्टर ओशो। तो और हजार हजार चैनल खुलें और हजार हजार ढंग से ओशो जाएं। ओशो ने तो खुद कहा है कि चढ़ जाओ छत पर चौबारे पर और चिल्लाओ, लोग बहरे हैं सुन नहीं पाएंगे। तो अब वो समय है जबकि हम तीसरे महायुद्ध के खतरे के आसन्न हैं। कभी ये सुनाई पड़ता है कि रशिया और उसका युद्ध हो रहा है, ये चिंगारी कहीं भी जा सकती है। तो ऐसे क्षणों में मनुष्य की चेतना को भी लंबी कुलांचे लंबी छलांगे लेनी चाहिए, अपने दायरे में सीमित नहीं रहना चाहिए कि, और अपने को असमर्थ भी अनुभव नहीं करना चाहिए। हम सब समर्थ हैं। इस समय भारत की जो मुख्य भूमिका होगी वो यही होगी कि ओशो सर्व सुलभ हो जाए। ओशो मनुष्य की चेतना का भविष्य है और उस में भारत की भूमिका प्रमुख है, क्योंकि भारत ने ठीक से इसको जिया है, समझा है। इस भूमि पर बुद्ध पुरुष होते रहे हैं, कभी किसी बुद्ध पुरुष को सूली नहीं लगी, यहाँ पर बुद्ध पुरुषों का सम्मान ही हुआ है। तो ये रियलाइज करते हुए उनकी थाती को, उनकी हेरिटेज को चारों दिशाओं में दिग दिगंत तक आप ले जाएं, और उसमें अगर आप कभी भी समझे कि मेरे से कुछ आपको चाहिए बात करनी है, तो मैं आपके लिए जब तक शरीर में हूँ तब तक बात कर सकता हूँ।